इस मैजिकल रेमेडी का यूज़ करके आप भी अपने बालों को मोटा लंबा घना एंड खूबसूरत बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अभी के दौर में हमारे बाल लगातार गिरते जा रहे हैं, हम बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई करते जा रहे हैं लेकिन हमें किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, तब जाकर आप इस वीडियो पर क्लिक किए होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ इस रेमेडी को यूज़ करने से आप भी अपने हेयर फॉल को कम्प्लीटली रोक पाएंगे और अपने बालों को जितना चाहे उतना लंबा कर पाएंगे। आप मेरे यहाँ पर बाल देख सकते हैं कितने ज़्यादा सिल्की शाइनी स्मूथ है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नीम की छाल लेनी है। तो आप अपने आसपास कहीं पर भी देख सकते हैं जहाँ पर नीम का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ से आपको ये पेड़ से छाल जो है वो निकाल कर लानी है। दोस्तों, आयुर्वेदिक से लेकर एलोपैथिक तक नीम की जड़ से लेकर तने, छाल, पत्तियाँ, फल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। नीम के बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारे बालों को लंबा घना एंड मजबूत बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। नीम में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक गुणों के अलावा विटामिन सी, प्रोटीन, कैरोटीन प्रचुर मात्रा में है, जो ना कि केवल बालों को संक्रमण से मुक्ति दिलाता है बल्कि हमारे बालों से हेयर फॉल की समस्या को भी ख़त्म करता है और डैंड्रफ की समस्या को भी ख़त्म करता है। हमारे बालों को लंबे समय तक घना और काला बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर क्या करना है, जो इसकी छाल है इसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। आप चाहें तो इसे ओखली की मदद से भी कूट सकते हैं, यानी कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से हाथों से जो है वो इसको तोड़ रही हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से इसको तोड़ लेना है। बहुत ही ईजिली ये टूट जाते हैं तो कोई भी दिक्कत भी नहीं होती है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें धुल लेना है ताकि जो इसकी धूल मिट्टी वगैरह होती है ना वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको धो लेंगे। तो हमने इसे दो बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है। इसके अलावा हमें इसमें और भी पावरफुल इन्ग्रीडियंट्स जो है वो इसमें ऐड करने हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो चलिए, अब हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन में हमने इस छाल को जो है वो ऐड कर दिया है। दोस्तों, इसके अलावा हम यहाँ पर लेंगे एक चम्मच भर के मेथी दाना। दोस्तों, मेथी में विटामिन और प्रोटीन पाया जाता है जो बालों को हेल्दी रखने के साथ साथ उनको लंबा बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा मेथी के बीजों में आयरन की अच्छी मात्रा होती है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को सही और बालों को अंदर से मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर आपके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे इसको यूज़ करने से। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर लिया है कलौंजी। कलौंजी का इस्तेमाल करने से हमारे बालों को बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग मिलती है और हमारे बालों का झड़ना बंद होता है। मसाले में इस्तेमाल होने वाली कलौंजी आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और फाइबर से भरपूर होती है। कलौंजी में 15 एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं जो बालों को हेल्दी बनाते हैं और कलौंजी हमारे बालों के लिए शानदार कंडीशनर का भी काम करती है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर इसमें एक ग्लास भर के पूरा पानी इसको इसमें ऐड कर देना है। अब हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे गैस पर। तो हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल करना है जब तक इसकी क्वांटिटी जो है वो आधी ना रह जाए, ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इन सारी चीज़ों के वो पानी में अच्छे से मिल जाए। दोस्तों, जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है वो हमारी दादी नानी के ज़माने में वो यूज़ किया करती थी, जिनसे उनके बाल जो है वो काफ़ी लंबे, घने और मोटे हुआ करते थे। दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर नीम की छाल इसमें ऐड की है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जितनी नीम की पत्तियाँ और निबोरी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, उसी तरह से इसकी छाल भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, इसी के साथ साथ इसमें विटामिन ई, एमिनो एसिड और फैटी एसिड भी पाए जाते हैं जो हमारे बालों को अंदर से पोषण देते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं। साथ ही इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है जो हमारे बालों की स्किन को रिपेयर करता है, जो हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने लगभग 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पर बॉयल किया है और इसकी क्वांटिटी पानी की जो है वो आधी रह गई
गई है। अब मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम यहाँ पर एक छन्नी की हेल्प से इसको हम यहाँ पर छान लेंगे। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को देखना है। और अगर आप बालों से रिलेटेड समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अभी मैं इसमें ऐसा पावरफुल इन्ग्रीडियंट्स इसमें ऐड करने वाली हूँ जो आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से लंबा घना बनाने में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ पर आपको लेना है 1 चम्मच भर के सरसों का ऑयल। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर सरसों का ऑयल लेना है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। तो आपको यहाँ पर कोई भी केमिकल वाला ऑयल यूज़ नहीं करना है, लेकिन आपको यहाँ पर सरसों का ऑयल ही लेना है। इससे आपके बालों की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ती है और आपके बालों का झड़ना भी बंद होता है। आपके बाल घने, लंबे, मोटे भी होते हैं। तो सरसों का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, हमारी दादी नानी के ज़माने में कोई भी केमिकल वाले ऑयल नहीं आते थे, वो सरसों का ऑयल ही यूज़ करती थी, जिससे उनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे, घने, मोटे हुआ करते थे। तो आपको यहाँ पर सरसों का ऑयल ही यूज़ करना है। सरसों के तेल हमारे बालों को लंबा, घना, मोटा तो करता है, साथ ही ये हमारे बालों को नरम, मुलायम और चमकदार भी बनाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें सिलेनियम, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड और प्रोटीन पाया जाता है, जिनसे एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं। वहीं इसमें विटामिन B3 यानी कि नियासिन भी मौजूद होता है, जो हमारे बालों को तेज़ी से लंबा, घना, मजबूत बनाने में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अब चलिए जान लेते हैं आपको इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके बाल गंदे नहीं होने चाहिए, यानी कि धूल मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप अपने बालों को वॉश करें, उस दिन उसी रात को आपको इस नुस्खे को यूज़ करना है। तो आपको इसे पूरी नाइट अपने बालों पर लगा कर रखना है। आपको यहाँ पर इस तरीके से अपने जड़ों पर इस तरीके से इसको स्प्रे करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ, और हल्के हल्के हाथों से आपको इसे मसाज देनी है। जब आप इसी तरीके से अपने बालों को यूज़ करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको 100% यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे। आपके बाल भी मेरी तरह लंबे, घने, चमकदार होंगे। आपको यहाँ पर पूरी लेंथ पर इसको अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे बाल जो है, अगर हम ऊपर इसको यूज़ करेंगे जड़ों पर, और हमारे बालों की लेंथ जो है वो ड्राई रह जाती है। तो पूरे में आपको इसको अप्लाई करना है। पूरी रात आपको यहाँ पर अपने बालों को इस तरीके से, मैंने तो यहाँ पर बन बनाया है आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर गुथी हुई चोटी बनाकर अपने बालों को सोना है, जिससे आपके बाल यहाँ पर जो है वो उलझेंगे नहीं, और जिससे हेयर फॉल भी कम होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सुबह होकर अपने बालों को कोई भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। जब आप वॉश करेंगे तो आप देखेंगे आपके बाल भी मेरी तरह सिल्की, साइनी, चमकदार, लंबे, घने हो जाएंगे। आपको इसे 1 हफ्ते यूज़ करके देखना है। अगर 1 हफ्ते में आपको आपका हेयर फॉल कम होता है, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ रही है, तो आपको इस रेमेडी को कंटिन्यू यूज़ करते जाना है। अगर कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप इसे स्किप करके कोई और रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें किसी चीज़ों से जो है वो फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन आपको इसे 100% रिजल्ट मिलेगा, मैं खुद ही आपको बोलती हूँ। बस आपको इसे हफ्ते में 3 बार अपने बालों पर ज़रूर यूज़ करना है, और अपने बालों को बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना है, इससे हेयर फॉल के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बालों को हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार या 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करें, इससे ज़्यादा वॉश ना करें। आप देखेंगे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे, घने हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।